आज हमारे पास यूनिटी का मल्टीमीटर आया है, UT61। इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है, UT61D+। इसके साथ ही और तीन मॉडल के यहाँ पर पूरे डिटेल दिए हुए हैं। ये आपका डिस्प्ले काउंट 6000 काउंटिंग में आता है, इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। आज इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले यहाँ पर आपका देखो USB कनेक्शन है, मतलब कंप्यूटर से भी आराम से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। NCB कनेक्शन से यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखते हैं आज अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। ये देखिए बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर है, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिया है देखो, UT61D+। ये देखो कितना अच्छा बॉक्स है, ये बहुत बेहतरीन लग रहा है ये बॉक्स। इसको ऐसे ओपन किया जाता है जी। इसके अंदर में इसका मैनुअल दिया हुआ है, ये सारे मैनुअल है। और ये मल्टीमीटर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए बेहतरीन मल्टीमीटर है। इसका ये आपका टेम्परेचर सेंसर है, ये वाला इसका PC के साथ कम्युनिकेशन के लिए USB दिया हुआ है, USB इंटरफेस। इसको हम इधर रख देते हैं, ये मल्टीमीटर को देखते हैं ओपन करके। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है, USB कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। डायरेक्ट इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो और यहाँ से इसको ऐसे फिट कर सकते हो आप इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट PC में आपका लग जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसा ओपन कर सकते हैं, इस प्रकार से ये चालू हो जाएगा। ठीक है, ये आप AC DC पूरा दिया हुआ है, मिली वोल्ट वोल्ट इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का अगर मल्टीमीटर चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस मल्टीमीटर को आपको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया, अब इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे लैपटॉप से कनेक्ट करना है, इनका आपका जो सेटिंग्स होता है वो क्या क्या होता है, NCV कनेक्शंस क्या होता है, ठीक है, इन सब का मैनुअल इंस्ट्रक्शंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।